हम भी नहीं, तुम भी नहीं, चादरे खाक ओढ़े हुए सोए हुए हैं। ये शख्स सोया हुआ तो है, मनु मिट्टी के तले, लेकिन इन्होंने हजारों लाखों जहनों को जगाया, उजागर किया और दीन के हकीकी रूह से आशना किया। ये शख्सियत जिसके मरकदे मुकद्दस पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, खानपुर कटोरा और इससे मुतसिल एक छोटे से इलाके दीनपुर शरीफ में, जहाँ ये मदफून है, जहाँ ये आरामी है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बूटा सिंह पटेल। सियालकोट में पैदा हुआ, बाद में इस्लाम की तरफ रागिब हुए, इस्लाम को एम्ब्रेस किया, मौलाना सिद्दीक भरछूंडी के दस्ते बियत पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम के हकीकी रूह से इनकी आशनाई हुई। और उसके बाद उन्होंने इस्लाम का जो हकीकी फ़िक्र है उसको फैलाने में जो खिदमात सर अंजाम दी, वो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का एक रोशन मिसाल है। मौलाना साहब से हमारी निस्बत इस वजह से भी है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, खुसूसन जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, जो कि 1918 में अपने इख्तिताम को पहुंची, उसके बाद जो अंग्रेज़ों की कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी और इस्लाम के हकीकी रूह को जो मसक करने का अंग्रेज़ों के पास एक प्लान था, तो उस प्लान के आगे ये एक दीवार की तरह खड़े हो गए और इन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक को इनिशिएट किया और इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को अपनी निशात सानिया को बहाल कराने के सिलसिले में जो जहन साजी दरकार थी, उसका बुनियादी काम जो है वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने किया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी न सिर्फ 20वीं सदी के बहुत बड़े इस्लामी मुफक्किर थे, बल्कि एक इनकलाबी रहनुमा भी थे, जिन्होंने कुरान पाक की रूह को, उसकी असल जो हैसियत है, जो उसका असल तसव्वुर है, लोगों को आशना कराने के लिए उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी। इस सिलसिले में उन्होंने जो एक रफ़ी कार की हैसियत से मौलाना ताज महमूद अमरोट के साथ काम किया दरगाह अमरोट शरीफ में, वहाँ वो 9 साल तक दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे और 9 साल के दौरान इन्होंने जो अपने तुलबा पैदा किए, शागिर्द रशीद पैदा किए, उनकी एक बड़ी तादाद है जो कि पूरे सब कॉन्टीनेंट में बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद है। और इनकी मौजूदगी की वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक बड़ी तहरीक ने जन्म लिया और ये तहरीक आगे चलकर पाकिस्तान की आज़ादी का एक जो है वो मजबूत बुनियाद बनी। इसके अलावा जो मौलाना साहब का बुनियादी कारनामा है वो है कुरान पाक का हकीकी फ़िक्र। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ सूरतों को पहले तो तफसीर किया, बाद में कुरान पाक का तफसीर लिखा। जो रोशन ख्याली इस्लाम ने हमें कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए और बाकी इस्लामी तालीमात के ज़रिए दी हैं, उसको फैलाने का काम जो है उन्होंने एक चिराग बन के किया। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो काफ़ी अरसा सिंध में रहे और उन्होंने सिंधी लकब अख्तियार किया, क्योंकि सिंध से उनकी बड़ी मोहब्बत थी, सिंधी लोगों से, खुसूसन दरगाह अमरोज शरीफ से उनकी वाबस्तगी जो है, इस छोटे से और दूर अफ्तादा गांव की जो एक तारीखी हैसियत है, उस तारीखी हैसियत को उन्होंने मजबूत बुनियादी फराहम की। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी खानपुर कटोरा जाऊं और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की कब्र पे हाज़िरी दूं, वहाँ फातिहा करूं, उनको सलाम करूं और दिली तौर पे उनको एक खराज पेश करूं जो उन्होंने सिंधी लोगों की जो एक रिवाइवल है, मजहबी रिवाइवल है, रोशन ख्याली है, इनकलाबी पहलू है, उसको सिंधी कौम के हवाले से उन्होंने जो एक काम किया, एक आशनाई दी, उसके असरात जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। लिहाजा जो इस्लामी लिटरेचर इस वक्त भी वक़ूअ पज़ीर हो रहा है या दीन की जो तबलीग और इशायत हो रही है खुसूसन सिंध में, और इस तबलीग व इशायत में जो मौलाना सिंधी के अफकार हैं, उनके ख़यालात हैं और उनका जो एक अलग अपना स्कूल ऑफ थाट है जिसका असर पूरे सिंध पे है, वो असर बहुत जो है वो नुमाया है। और आगे चलकर भी इनकी जो तालीमात हैं अपनी गहराई गिराई और असर पज़ीरी के बायस जो है वो अहम किरदार अदा करती रहेंगी। और ये शख्स जो है
कयामत तक अपने अफकार, अपने ख्यालात और उनका जो इनकलाबी एक काम था, वो इस काम की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगे।